नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि का विवाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच चल रहा है। जमीन पर दोनों समुदाय अपना अपना दावा कर रहे हैं। अब इस दावेदारी में बौद्ध समुदाय भी उतर आया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अयोध्या की विवादित भूमि पर बौद्ध समुदाय ने अपना हक जताया है। बौद्ध समुदाय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने विवादित भूमि पर चार बार खुदाई करवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद 2002-2003 में वहां अंतिम बार खुदाई हुई थी। ये याचिका 6 मार्च 2018 को बौद्ध विनीत कुमार मौर्य ने दायर की है। विनीत खुद अयोध्या के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वे बौद्ध समुदाय के सदस्य हैं। विनीत ने याचिका में दावा किया है कि बाबरी मस्जिद बनाए जाने से पहले वहां बौद्ध समुदाय का स्मारक था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने उस जगह पर खुदाई में बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप, दीवारें और खंभे भी पाए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वे ने 2003 में कहा था कि विवादित स्थल के नीचे गोलाकार पूजा स्थल पाया गया है, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे जुड़े सबूत जुटाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि विवादित स्थल के कसौटी स्तंभ वाराणसी में मौजूद बौद्ध स्तंभों के समान है। खबर पर फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति और खेल जगत से जुड़ी अन्य खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।